फिल्म के लिए और आपका योगदान उस गाने में? अक्षिता मूवीज और हरियम प्रोडक्शन इन दोनों ने मिलकर जॉइंट वेंचर ये मूवी स्टार्ट की है और अभी अनटाइटल्ड है, अभी टाइटल रखा नहीं है हम लोगों ने। और ये जो सॉन्ग है ये एक्चुअली में एक ट्रैवलिंग सॉन्ग है, एक जर्नी है। चार दोस्त हैं तो उन चार दोस्तों में से एक कपल भी है, लाइक पति पत्नी है वो, जो अपने रिलेशनशिप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसके ऊपर ये सॉन्ग है पूरा। अमन त्रिखा ने उसको गाया है और मैनक जो है वो मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, वो उन्होंने म्यूज़िक दिया है इसके अंदर। तो ये पूरा है अभी सेटअप जो। और आपने? मैं इसमें राइटर हूँ। Okay. इसमें मुझे थॉट जो है सौरभ ने दिया था, जो उनके प्रोड्यूसर भी हैं, जो एक्टर भी हैं इसमें, थॉट उनका था। डायरेक्टर ने जो संजीव हैं उनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ, मुख्तार से हम लोग साथ में थे जब मैं सुभाष जी के साथ था। तो वहीं से उन्होंने मेरे को एक थॉट दिया था कि वो एक ह्यूमन रिलेशनशिप पे और एक जो आजकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कपल के बीच में, उन्हें उन रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर करने के लिए कि क्यों ब्रेकअप ज़्यादा हो रहा है या क्यों डिवोर्स रेट बढ़ रहा है, तो उसको लेकर हम लोगों ने एक थोड़ा सा फिक्शनाइज करके उसको एक उस प्रॉब्लम को, उस इशू को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, वो सोल्यूशन हमने देने की कोशिश की है इसमें। और संजीव जो है, संजीव और सौरभ दोनों का क्योंकि वेवलेंथ मैच हुआ और फिर फाइनली उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा हम लोग फिल्म प्लान कर रहे हैं। और मैं जनरली बहुत कम मूवीज़ ही करता हूँ, मैं ज़्यादा मूवीज़ करता नहीं, साल में एक कोई फिल्म कर लेता हूँ। तो मुझे फिल्म में कंटेंट दिखा, मुझे लगा कि कुछ मीनिंग ऑफ लाइफ है तो लेट्स डू इट। तो इट आल्सो रिमाइंड मी व्हेन यू टॉक अबाउट फोर फ्रेंड, इट आल्सो रिमाइंड मी व्हाट यू नो वी हैव सीन इन दिल चाहता है। हां हां, जर्नी ऑफ अ न्यू यंगस्टर एक्सप्लोरिंग देयर लाइफ। हां हां, समबडी हु इज इन लव विद वो मोर देन हिज एज, फॉर एग्जांपल अक्षय खन्ना कैरेक्टर इन द फिल्म। हां हां, तो क्या उस तरह का कुछ सिमिलरिटी होगी? उस तरह की सिमिलरिटी नहीं है क्योंकि अभी आज का सिनेरियो तो चेंज हो गया, लाइक आफ्टर लाइक डिजिटल एज में हमारा जो पेशेंस लेवल है बहुत स्मॉल हो गया है, बहुत हमारा स्किल बहुत डाउन हो गया है, हम पेशेंस नहीं रख सकते। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल किसी को अगर कोई किसी लड़की ने बोला मैं 4 बजे आऊँगी और कोई लड़का 4 से 4:30 तक उसको वेट करना पड़े तो एकदम से हाइपर हो जाता है वो, और 4:35 तक शायद ब्रेकअप की स्पीच भी तैयार कर लेगा वो। तो अब क्योंकि चेंज हो गया है, पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है, तो हमने उस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया है कि जो अभी आज का जो मॉडर्न जो परसेप्शन है लड़की का लड़के को लेकर, लड़के को लड़की को लेकर, वो जो एक परसेप्शन है जिसमें पेशेंस ख़त्म हो गया है, और पेशेंस ख़त्म होने की वजह से रिलेशनशिप्स जो हैं फ्यूज़ हो रहे हैं, वो हमने यहाँ पे रखा है जो उस उन फिल्मों से बहुत डिफरेंट है। थैंक यू सो मच। एंड डायरेक्टर, सो ये मेरी पहली डायरेक्टेड प्रोजेक्ट है, दैट्स द फर्स्ट मूवी दैट आई एम डायरेक्टिंग एंड इट्स कॉल्ड #love। सो पहले आपने सुना होगा म्यूजिक डायरेक्टर साहब को और परम जी को भी, हाउ दिस मूवी इज़ बीन वोवन। So I personally think that this movie is about cult generation, today's generation, and it's about how relationships should be involved and evolved, and it should build as a journey of two couples, you can say two human beings who reach at a point and they find that this is how life should be. The life cannot be with divorce and not being together and not and having conflicts and hurdles. So this is what I feel the journey is about. In short, just okay. So, how this whole idea came to you? You know how you started? I think that's how you should have asked me earlier. The idea was actually Saurabh, of course, he had this idea concept in his mind, and me, I was working on this in Gujarati. I was writing Fari Paraniye. The Fari Paraniye was basically a divorced couple subject, and it came in my mind. So we both came on same grounds. We sat, we worked upon it, and we came to this conclusion of writing in Hindi. And then we involved Paramji. Paramji is a very nice writer. I mean, he worked for us in another movie too, the last movie. So that's. Okay, tell us about the song recording which is happening today. Aman Tarika is recording it. It's a nice journey song. It's a travel song. And basically, Aman, of course, he sung my earlier songs too. We did Kanchi. And Kanchi's one song, which was Koshamba, he was doing the same. So we know from like almost 2-3 movies, we know each other. So Aman is a good singer. Obviously, he's a good singer. Okay, when are you planning to take the film on tour and when are you getting released? I think we will be starting the shoot from 15th of June. And probably by July end, we'll end this. So release is September somewhere, September 27th or something. Yeah. Thank you, sir. I met you before also, you didn't remember me, it's a different story, but I remember you. Yeah, okay. Anyways. How sweet of you. good to see you once again. Yeah. Tell us about the film and your role in the film. In detail, you know. In detail, actually, हमें अभी बोला गया डिटेल में नहीं बताना, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट
शॉर्ट में बताता हूँ, इट्स अ स्टोरी ऑफ टू कपल्स. द स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन द स्वीट रिलेशनशिप ऑफ टू कपल्स. कैसे मैरिज के बाद, मतलब डिवोर्स, हमारी फिल्म में जो एक कपल का डिवोर्स होता है, तो वो सिचुएशन है जो बहुत किसी मोमेंट पे जाके बहुत फन, मतलब बेसिकली सिनेमा इज़ अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, तो उस चीज़ का ध्यान रखते हुए मतलब काफ़ी फ़नी सिचुएशन रहेंगी फिल्म में. तो और मेरा जो कैरेक्टर है, यू कैन से इट्स अ स्पॉइल्ड ब्रैट, और इट्स अ फन लविंग, और पंजाब बैकग्राउंड पंजाब है, मैं भी पंजाबी हूँ, तो मेरे लिए बहुत अच्छा होएगा. मैं मतलब बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहा हूँ अपने इस कैरेक्टर के साथ. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. और आपके सॉन्ग रिकॉर्डिंग के बारे में क्या बताना, क्या क्या किस तरह का सॉन्ग है और क्या कहानी है? ये अभी जो सॉन्ग रिकॉर्ड हो रहा है, ये फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से ट्रेवल सॉन्ग है. ये जो अमन त्रिखा सिंगर हैं, वो अभी उन्होंने गा रहे हैं, बहुत ही इज़ वेरी मेलोडियस सिंगर, तो बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग अभी उन्होंने की है सॉन्ग की. सो होपफुली सबको पसंद आएगा सॉन्ग, बहुत अच्छा सॉन्ग है. ओके, ट्रैवलिंग का जब भी हम बात करते हैं दोस्तों की, जब भी हम बात करते हैं दिल चाहता का गाना जहन में आ जाता है. हाँ, ये सिचुएशन कुछ वैसी ही है, मतलब हमारी हमारे जहन में भी वही सिचुएशन आती है, दिल चाहता वाला जो सीन हमारे सामने आता है जब हमारी ये सिचुएशन हम सुनी हमने पहली बार, तो सिमिलर है, ट्रैवल वैसा ही है, कुछ फ्रेंड्स का जो बॉन्डिंग है तो इस सिचुएशन पे, इस सॉन्ग में, तो बिल्कुल वैसा ही है दिल चाहता वाली सिचुएशन के साथ. थैंक यू सो मच. You know, the very first thing during the interaction with all the people who are part of the project is, it reminds me of Dil Chahta Hai. How similar it will be? It's not Dil Chahta. Dil Chahta is basically about that journey, about those three friends and all those things. This movie is completely different. It's about the youth of India right now, what all troubles they face in a relationship. We are trying to portray that. And we are not being feminist in this movie, that we are just showing the guy's problem like other movies are doing. We are also showing what female faces problems in a relationship. So this is not Dil Chahta Hai, basically. You're saying both the side of the coin. Yes, both the side of the coins in this movie. And like, see, our movie is about two couples. One is already married and the other one is about to get into a relationship. So that will be an interesting thing, because married couple ka issues kuch aur hote hain, aur jo marriage ka soch rahe hain, relationship mein padhne ka soch rahe hain, unke issues bahut alag hote hain. To hum dono cheeze isme balance karke chal rahe hain. Okay, aaj is song ke bare mein thoda sa janna chahunga. Ji sir. Song to yakeenan mereko wahi yaad dilata hai, whether you agree or disagree. It's about traveling, it's about four friends, it's a different story having a female partner also, who is yes, related yes, to some yes. friend of yours who are playing important character in the film. Yeah. Tell us about the song. This song is basically, we are planning to shoot this song in Rishikesh, and like we got a very huge crowd, like background people in this song, like there are almost 50 foreigners or something like that are there, and this is about fun basically. Like when there's a point in a relationship when there is a high point, like you feel like you just want to leave that place. So this song is a light moment where these four people, they just want to go out of the house and just want to explore their life. And this song is all about that they leave the place, they go to Rishikesh, they enjoy, they have fun, they are dancing, and bit of body showing, which is Jimmy Bhai is there. Jimmy Bhai, please come over here. Join us. We need your support. He's showing a lot of body in that song. क्या कर रहे हो सर? वो कुछ बिकनी बेब्स के साथ आप वॉलीबॉल खेल रहे हो, है ना, बीच बीच में कूद रहे हो, ऐसा बहुत कुछ कर रहे हैं. ऐसा काफ़ी कुछ है. सो आई ऑलरेडी स्टार्टेड लाइक डाइटिंग, माई डाइट प्लान आर देयर. सो ही इज़ लाइक, ही इज़ ऑलरेडी सो फिट, तो इसने मुझे काफ़ी डाइट प्लान दिए. और ये भाई भी स्पेशल आए हैं हमारे लिए. ये अक्षिता मूवीज़ और हरी प्रोडक्शन के बैनर में बन रही है. अक्षिता मूवीज़ इनकी है, और जैसा कि आप देख रहे हैं बंदा कितना सॉलिड है, तो अक्षिता मूवीज़ कितनी सॉलिड है वो आपको पता चल जाएगा. अक्षिता मूवीज, सी दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट, दिस इज़ अक्षिता मूवीज़ फर्स्ट प्रोजेक्ट. और जो है इस प्रोजेक्ट के बारे में हम लोगों का जब डिस्कशन हुआ, तो अरुण वॉज लाइक सो एक्साइटेड कि भैया ये प्रॉब्लम तो मैंने भी फेस की है. इनफैक्ट यही हुआ जब मैंने जिमी भाई से ये स्क्रिप्ट के बारे में डिस्कशन किया, तो उन्होंने कहा ये प्रॉब्लम तो मैंने भी फेस की है. एवरी कपल फेस सच प्रॉब्लम. एंड यू वोंट बिलीव, जब परम जी से डिस्कशन हुआ, उन्होंने कहा यार मैंने भी ये प्रॉब्लम फेस की है. एनीबॉडी कैन कनेक्ट. यू आर सेइंग एवरीवन गो टू कनेक्ट विद यू. यस, एवरी लाइक एज क्राइटेरिया आप नहीं ले सकते कि यार 18 साल का टीनेजर है वो कहेगा नहीं सर ये तो मेरे साथ नहीं. यहाँ पे क्या है, 35 साल का जो एजेड, जो मिडिल एज वाला भी है ना, वो भी कहेगा यार ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस की है. Okay, the last message, what message do you want to give to the audience
why they come and be a part of the film whenever it's getting released? We are planning to release it in September. And this movie is about message basically. जो आज का youth और आज के youngsters जो भूल रहे हैं relationship की importance, वो इस movie में दिखाई गई है. And इस मूवी के एंड में आपको रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस जो आज की डेट में सब भूल गए हैं, काम के पीछे भाग रहे हैं और एक्स गर्लफ्रेंड या वाई गर्लफ्रेंड के पीछे भाग रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं और बिजी हैं उस चीज़ में, और जो रिलेशनशिप चल रहा है उसको नहीं हैंडल कर पा रहे हैं. तो ये मूवी आपको वो रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस बताएगी और वाई टू कंटिन्यू विद दैट रिलेशनशिप, वाई टू कंटिन्यू विद द मैरिज एंड वाई टू बी इन रिलेशनशिप, ये जस्टिफाई करेगी. आजकल की लाइफ में ना ठहराव खत्म हो गया, भाग रहे हैं हर किसी को, हर कोई भाग दौड़ में मतलब फंसा हुआ है. तो वो जो पहले होता था ना कि एक स्टेबिलिटी नहीं है आजकल के कपल्स में, तो वो चीज़ मतलब हर कोई जो कपल है मतलब यूथ है वो कनेक्ट करेगा, भाई ये हम भी ऐसी गलती करते हैं जो हमें नहीं करनी है. तो हम करेक्शन भी कर रहे हैं, हम गलतियाँ नहीं दिखा रहे, हम करेक्शन भी कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. जो बोल रहे हैं ऊपर लिख के बोलो, क्या खुशी हो रही है इसको लेकर बोलो. मेरा नाम अरुण शर्मा, सौरभ माई बेस्ट फ्रेंड. सौरभ भाई ने बताया स्टोरी के लिए, जो मैंने स्टोरी बताई इन्होंने सुनी, तो मैंने इनको बताया स्टोरी अच्छी है. ये प्रॉब्लम जो स्टोरी के में है कि ये जो सबके साथ हुई है इस मूवी को, सब कपल्स सब कपल्स के साथ यही प्रॉब्लम होता है, तो ये मूवी को हम करना चाहेंगे. और गाना जो रिकॉर्डिंग हो रही है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? गाना मस्त है, अच्छा गाना है. प्रोडक्शन अक्षिता मूवीज, बस इतना ही बोलो. क्या शुभकामनाएं होगी आपके गाने को लेकर के? तो सिर्फ इतना कहूँगा कि वाकई बहुत अद्भुत गाना है और संजीव अपने आप में एक बहुत सुलझे हुए, एक ईमानदार इंसान होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे डायरेक्टर और कोरियोग्राफर है. तो आई एम श्योर ये अब इस गाने के साथ बहुत अच्छे से इसको जस्टिफाई करेंगे और बखूबी ये स्क्रीन में दिखेगा कि ये गाना किस हद तक उभर के आ रहा है सकारात्मक तरीके से, क्योंकि ये अपने आप में इज़ अ काइंड हार्टेड सोल. और वो जब आपकी नीयत साफ़ होती है तो वो दिखती है और वो बड़े पर्दे पर बहुत जल्द आपको एक बेहतरीन तरीके से दिखेगी. और रही बात फिल्म की, #love मतलब आज डिजिटल वर्ल्ड का ज़माना है और डिजिटल वर्ल्ड में #love यही तो चलेगा और क्या चलेगा. तो बस सो गाइस, हार्दिक शुभकामनाएं, गो गाना वॉच इट. भाई ने जैसे बोला #love चलना है तो चलना है, चलना ही है. एवरीबॉडी शुड कम एंड वॉच. थैंक यू. इट आल्सो रिमाइंड मी ऑफ यू नो दिल चाहता है सॉन्ग, कि चार दोस्त हैं जा रहे हैं और यू नो दिल चाहता है. ये मुझे लगा था जर्नलिस्ट. आप क्या कहना चाहेंगे? व्हाट वाज द ब्रीफ टू यू? आपको क्या ब्रीफ था? ब्रीफ मुझे यही ब्रीफ था कि जो आपने कहा है कि दिल चाहता है कि याद दिलाता, तो दिल चाहता है मैं जो टाइटल ट्रैक है और जो कहानी है वो तीन दोस्तों की थी. यहाँ पे दो कपल्स हैं, एक डिवोर्स्ड है और एक अभी उन लोगों का रिलेशन शुरू हुआ है. तो वो साथ में जा रहे हैं ऋषिकेश, तो वो गाड़ी में जा रहे हैं. ट्रैवल सॉन्ग है, जर्नी सॉन्ग है और बहुत ही हैप्पी पैप्पी और फील गुड सॉन्ग है जो गुनगुनाते हुए वो जाते हैं, ट्रैवल करते हैं. तो दिल चाहता है आप बोल सकते हो कि हाँ, वो गाने की सिमिलैरिटी आप बोल सकते हो कि इतना वाइब वैसा है गाने का. एक यू नो एक ऐड ऑन एक सिंगर भी करता है यू नो व्हाइल डूइंग इट, व्हाइल यू नो रिकॉर्डिंग इट. जी, व्हाट्स योर इनपुट व्हाइल वर्किंग ऑन दिस, यू नो यू रिकॉर्डेड द सॉन्ग टुडे? सत्या भाई, मानिक भाई और अफसर भाई के साथ तो मतलब बहुत पुराना रिलेशन है और बहुत सब काम किया है साथ में. तो ब्रीफ यही था कि जैसे ही एक मेरे को जिस तरीके से बताया कि इसमें पूरी जो है वो अप टेम्पो एक वाइब है और एक फील गुड वाइब है, हैप्पी वाइब है, एक यू नो एक प्लेजेंट वाइब है कि लोग जो हैं वो झूमने चाहिए गाने के साथ और गाने को सुन के उनकी जो है सारी थकान या सारी जो सारे गम हैं वो जो है दूर होने चाहिए. तो मैं भी वही गाने में, अभी रिकॉर्डिंग जस्ट ख़त्म हुई है और मैंने कोशिश की है कि उस गाने को थोड़ा जिंदा दिल बनाया जाए. और कंपोजिशन बहुत अच्छी है, लिखा बहुत खूब है अतीक अलाबादी भाई ने, तो बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस है. और ये जो एक्टर हैं हमारे सौरभ रॉय, उनके साथ पहले भी फिल्म में गा चुका हूँ उनके लिए, और बाकी सब जितने भी संजीव जी हैं सारे सुभाष गई जी की विस्लिंग वुड से ताल्लुक़ रखते हैं और सुभाष जी के साथ तो कांची में मैंने गाया था. तो एक बहुत एक रीयूनियन काइंड ऑफ एक समा बंधा हुआ है. What's your brief about then? और इस गाने को लेकर
डायरेक्टर का क्या ब्रीफ था एंड हाउ यू केम जीरो डाउन कि ये करना है और इस तरह से करना है? डायरेक्टर एक्चुअली केम अस अ वीक 10 डेज बैक एंड सौरभ द प्रोड्यूसर एंड द एक्टर. तो सत्या मैं अफसर हम लोग म्यूजिक रूम में थे, हमारी एक सरसरी मीटिंग हुई. उन्होंने बोला ऐसा ऐसा 3 सॉन्ग्स हैं हमारी फिल्म में, एक रोमांटिक सैड रोमांटिक है, एक फन सॉन्ग है क्लब पार्टी नंबर और एक ट्रैवल सॉन्ग है. तो ट्रैवल सॉन्ग वी वर वेरी कॉन्फिडेंट दैट वील क्रैक इट वेरी वेरी फास्ट. इन तीनों गाने फर्स्ट सिटिंग में ही हमारे जो इन्होंने ब्रीफ देखे गए, 2 दिन बाद हमने इनको बोला ये आपके मुखड़े हैं एंड दैट्स डन, दैट्स लॉक्ड देयर ओनली. सो वहीं से ही बढ़िया हो गया था. ओके सत्या, यू नो ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, आई होप यू वोंट माइंड अमन, ही वाज अ वेरी फर्स्ट चॉइस फॉर दिस सॉन्ग. अमन यस सर्टेनली ही वाज द फर्स्ट चॉइस व्हेन दे हर्ड द सॉन्ग आल्सो. And thank you, sir. And thank you for taking my name. हमें पता था कि हमें he can deliver, you know, he give justice to the song actually. And we said he's done. And we knew Aman since very long, so that is another thing. We have a very good tune. Confidence in delivering हमारा बहुत अच्छा साला sir. Okay, the last one to Aman. Aman, do you think if at all there's a comparison, how do you take it? With Dil Chahta Hai song, if there's a comparison. कंपैरिजन फिल्म का कंपैरिजन तो मुझे स्टोरी एक्चुअली जितनी बताई है स्टोरी कोई मेल नहीं खाती है दिल चाहता से. ट्रैवल सॉन्ग बहुत आए हैं फिल्म में अपने बॉलीवुड में, मेरे सपनों की रानी है, हम जो चलने लगे रास्ते, दिल चाहता भी है और बहुत सारे गाने हैं. हाँ तो ये भी एक जो है वो मिल गया है कोई मुझको, सरे राह चलते चलते बदली है मेरी दुनिया इस हंसी पल से, मंजिल मेरी आई नज़र तेरा करम, लव यू खुदा. तो मतलब वो खुदा का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि जो भी है कि तेरे रहमो करम से दुनिया चल रही है और हम भी एक अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं. हमारी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हैं, जो बिगड़ी चीज़ें हैं वो बन जाएं और जो बनी चीज़ें हैं वो बनी बनाए रहें और अच्छे से सारी जो हैं फले फूलें लोग. तो कंपेरिजन मेरे ख्याल से करना इस टाइम पर ठीक नहीं है. एक बार फिल्म आ जाए तो अगर कुछ शॉर्ट्स मिलते होंगे या कुछ ऐसे होता है कुछ वाइब मिलती होगी तो है, और अगर पॉजिटिव नोट पे लिया जाए तो दिल चाहता है इज वन ऑफ द कल्ट मूवीज ऑफ यूथ. मैं 10th में था, 2001 में आई थी, तो आज अगर 2018-2019 में ये फिल्म आती है और अगर थोड़ी सी भी क्राउड के साथ और यूथ के साथ कनेक्ट करती है तो मेरे लिए और हम सब के लिए बहुत अच्छी बात होगी. थैंक यू.